फ्रेंड्स, देखिए, अक्सर आज के टाइम पे हम फास्ट जो हमारा लाइफस्टाइल है, चाहे बिजनेस की वजह से ट्रैवल करना हो या ऑफिस में हम ट्रैवल करते हो, तो आज लोगों का डेली जीवन में आना जाना लगा ही रहता है। तो इस आने जाने में कहीं ना कहीं हम अपनी डाइट के बारे में ज़्यादा नहीं सोच पाते, और सोचते भी हैं तो मैनेज नहीं कर पाते। और इसको मैनेज करना इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि हमारा वर्कलोड जो है या फास्ट लाइफस्टाइल जो है, उसकी वजह से ये सारी चीज़ें चैलेंज हमें फेस करने पड़ते हैं। बट आज साइंस है, फूड साइंस है, या आज हम प्रोडक्ट साइंस की बात कर रहे हैं, इसने इसको बहुत आसान बना दिया है। जैसे कि मैं बहुत ज़्यादा ट्रैवल करता हूँ, ऑफिस के काम से बिजनेस के लिए, सम टाइम फ्रेंड्स के साथ भी, और सम टाइम आप ऑफिस में भी रहते हैं। तो कैसे आप डेली अपने न्यूट्रिशन को मेंटेन करेंगे, इसका सॉल्यूशन मैंने तो चूज कर रखा है। मैं आपको अपने एक सॉल्यूशन से मिलवाना चाहूँगा, यानी कि मैं बात कर रहा हूँ एब्सोल्यूट मील। इसको मैं कैरी करता हूँ जहाँ पे भी जाता हूँ, क्योंकि आप तरह तरह का फूड नहीं खा सकते। यदि आपको हेल्दी रहना है, फिट रहना है, तो एक स्कूप आप डालें अपनी आवश्यकता के अनुसार। जैसे मैंने 1.5 स्कूप डाला है इसमें, और इस स्कूप में ऐसा है क्या, आप देखेंगे इसमें मुझे मिल रहा है पर स्कूप लगभग 12 ग्राम के आसपास प्रोटीन, जो मुझे चाहिए 24 विटामिन्स एंड मिनरल्स, और वो भी ऐसे नहीं कि नाम मात्र डाल रखे हों। तो आप इनकी RDA वैल्यू देखेंगे, ऑलमोस्ट 50% पर स्कूप में मेरे 24 विटामिन्स एंड मिनरल्स जो मुझे चाहिए डेली बेसिस पे पूरे हो जाते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं, डाइजेशन के लिए, अच्छे बाउल मूवमेंट के लिए आपको चाहिए डेली बेसिस पे डाइटरी फाइबर। और आज तो आज हमारी डाइटरी में फाइबर बहुत कम हो गया, जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन, IBS की प्रॉब्लम, एसिडिटी बनना, और बहुत सारी प्रॉब्लम जो डाइजेशन से रिलेटेड रखते हैं। तो उसका सॉल्यूशन ये डाइटरी फाइबर दे रहा है, और उसके साथ साथ में उस सॉल्यूशन को, यानी कि डाइजेशन के सॉल्यूशन को और भी अच्छा कर रहा है। ये आप देख रहे हैं प्रोबायोटिक्स, पर सर्विंग में 10 मिलियन CFU प्रोबायोटिक्स डाले गए हैं। और डिलीशियस फ्लेवर मैंगो, जैसा कि आज सीजन चल रहा है, हाई इन न्यूट्रिशन है, लो इन कैलोरी है। सो ये मेरा एक कस्टमाइज डाइट है जो मैं ट्रैवल में फॉलो करता हूँ। जब भी मैं वर्कआउट करता हूँ तो थोड़ा सा प्रोटीन आपको और ज़्यादा चाहिए, तो यहाँ पे मैंने प्रोटीन अपना थोड़ा स्टैंडर्डाइज कर रखा है। इसमें मैंने इसके स्टैंडर्डाइजेशन में हमारा ग्रीन प्रोटीन जो है वो मैं एक अलग से जार में सेपरेट रखता हूँ, कि जितना मुझे प्रोटीन उस टाइम पे रिक्वायर्ड चाहिए वो इससे मैं मैनेज करता हूँ। सो ये बन जाता है एक तरीके से आपका कस्टमाइज कंप्लीट डाइट। और नेचर को हमेशा साथ में रखना चाहिए, तो नेचर के रूप में मेरे पास आप देख रहे हैं मल्टीपल सीड्स हैं। और जैसा कि आप जानते हैं, हर एक सीड में एक पौधा बनने की शक्ति होती है। जब ये एक पौधा बना सकता है तो आपकी हेल्थ को क्या कर सकता है, ये आप सोच भी सकते हैं। और सभी को मालूम है कि सीड्स हमारे लिए भरपूर मात्रा में विटामिन्स, मिनरल्स, ओमेगा और सो मैनी काइंड ऑफ न्यूट्रिशनल चीज़ें इनमें होती हैं। तो मैं अपने डेली अपने न्यूट्रिशन को इस तरीके से पूरा करता हूँ। बस सिंपली आपको पानी चाहिए यहाँ पे, और आपका ये मील शेक तैयार हो जाता है। और ओके लाइफ केयर का एब्सोल्यूट मील और आसान है, इसको मिक्स करना, इसको डिजोल्व करना, इसको घोलना, बिकॉज इसमें जो फाइबर है वो, और जो इसका वे प्रोटीन का सोर्स है, यानी कि हाइड्रोलाइज जो फॉर्मूला है, वो घुलने में इसको आसान बनाता है कि आप इसको इजीली चम्मच से भी घोल सकते हैं, पर शेकर हो तो आपके पास और भी इजी हो जाता है। बस आप 2-4 बार इसको शेक करेंगे तो आप देखेंगे आपको बॉटम में कुछ भी नज़र नहीं आएगा। सो ये आपका मील तैयार हो जाता है। और हेल्दी रहना बहुत इम्पोर्टेंट है। कुछ लोग बोलते हैं, जी आप इतने एक्सरसाइज क्यों करते हो, क्यों हेल्थ को प्रमोट करते हो। मेरा मानना है कि हेल्दी रहना एक तरीके से सस्ता ऑप्शन है बीमार रहने से। सो इसलिए मैं फिटनेस को पहले प्रेफरेंस देता हूँ। सो हेल्दी सस्ता है, बीमारी बहुत महंगी है। सो आप भी हेल्दी रहिए, और एब्सोल्यूट मील को अपना न्यूट्रिशनल पार्टनर आप चूज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।